अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। हम इससे पहले दो वीडियोस में एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस पे बात कर चुके हैं, तो इसलिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस की वो वीडियोज़ देख लें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। क्या डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हम उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने एक डेटाबेस जब आपने बनाना है तो उसके लिए आपने सॉफ्टवेयर परचेज करना है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर आपके पास एक कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि आपको अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, आपने वो एक बहुत बड़ा डाटा आपने स्टोर करना है और उसके लिए आपने डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए आपको हाई प्रोसेसर और एक लार्ज मेमोरी साइज की डिस्क चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपकी जब आप इन दो चीज़ों पे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपको ज़रूरत है तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी जब आप डाटाबेस बनाएंगे। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। डाटा कन्वर्जन आप अगर पहले मैनुअल सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो है उस पर अगर उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं और जब आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं डाटाबेस सिस्टम पे, तो जो कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है, वो भी आपको आपकी कन्वर्जन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट आपके पास कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन है। थर्ड पे आ जाते हैं, आपने एक डाटाबेस बना लिया, एक बड़ा ह्यूज डाटाबेस आपने बना लिया, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको स्टाफ भी चाहिए, आपको स्किल्ड लोग चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए, टेक्निकल लोग चाहिए। ठीक है, जो उस डाटा को मैनेज कर सकें, उस डाटा को मॉनिटर कर सकें, उसको अपडेट कर सकें या उसको एडिट कर सकें, तो आपको इस इन 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 सब कामों के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत है। तो आपके स्टाफ ट्रेनिंग की आपको उनको उनकी कास्ट भी आपको जो है उनको पे वगैरह देनी पड़ेगी, तो आपकी कास्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ पे आता है आपके पास बैकअप फेलियर्स। ठीक है, ये ज़रूरी है कि जब आप डाटाबेस बना रहे हैं तो आपको आप बैकअप आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अब वो आप डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप वीकली बैकअप लेना चाहते हैं, डेली बैकअप लेना चाहते हैं या मंथली बैकअप लेना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका सपोज डाटाबेस क्रैश कर जाता है, ठीक है, उसमें कोई फेलियर आ जाता है, ठीक है, और आपने उसका बैकअप नहीं लिया हुआ, ठीक है, और आपने दोबारा उसको अगर रिस्टोर करना है, तो वो माइट बी पॉसिबल कि वो उस तरह से रिस्टोर और रिकवर ना हो, तो ये एक बैकअप फेलियर या एक रिकवरी फेलियर का हमेशा एक रिस्क रहता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, कम्प्लेक्स सिस्टम से मुराद ये है कि इसमें रिलेशंस हैं, आपके पास डिफरेंट तरह का डेटा है और उस डेटा का आपस में रिलेशन है। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं। ठीक है, वो सारा डाटा आपस में किसी तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपस में उनका रिलेशन डेवलप हुआ है, तो वो एक इस तरह से एक कम्प्लेक्स सिस्टम भी, एक डाटाबेस के अंदर कम्प्लेक्स सिस्टम भी एक जनरेट हो जाता है या एक कम्प्लेक्स किस्म का भी डाटा आपके पास जनरेट हो जाता है। तो आज जो हमने पॉइंट्स देखे उनमें सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिसएडवांटेजेस फर्स्ट, सेकंड कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन, थर्ड कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, फोर्थ बैकअप फेलियर और फिफ्थ कम्प्लेक्स सिस्टम्स। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो आप बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।